अब सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर कफील को जेल और आतंकवादी देवेंद्र को बेल, यही है देश के अंदर मोदी और योगी का नंगा खेल। जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, क्योंकि इस देश के अंदर जब देश का रक्षा मंत्री और देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो है प्रधान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जब तड़ी पार रहा हो, उसको तड़ी पार किया गया हो, वो आदमी जब गृह मंत्रालय को संभाल रहा हो, तो निष्पक्ष रूप से है कि पूरे देश का गुंडा बदमाश, पूरे देश का माफिया सरकारी संरक्षण में काम कर रहा है। और आज यही वजह है कि सरकार और माफियाओं और अपराधियों का एक गठजोड़, एक नेक्सस बना हुआ है, क्योंकि कफील जांच एजेंसियों में मदद कर रहे थे और कफील ये बता सकते थे कि वो ऑक्सीजन की कमी किन लोगों की वजह से हुई थी, कौन लोग सरकारी और सरकारी अस्पताल के अंदर उस ऑक्सीजन को लेकर के घोटाला कर रहे थे, उसका पैसा मारने का काम कर रहे थे, और ये सब योगी सरकार के संरक्षण के अंदर हो रहा था। और वो योगी का गृह जनपद है, आपको समझना चाहिए, योगी के गृह जनपद में, योगी के क्षेत्र में, योगी के सरकारी अस्पताल के अंदर बच्चे मर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी से, और वो जो जिस डॉक्टर के ऊपर दोष लगा वो डॉक्टर निर्दोष साबित होता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये फंदा योगी के गले में पड़ने वाला था, और यही वजह है कि योगी अपने गले में फंदा ना पड़ते हुए देख करके अपनी तरफ जो तीर की कमान, जो तीर की तीर का जो नोक उनकी तरफ जा रही है, उसको मोड़ने के लिए बार बार कफील को जेल में डालने का काम कर रहे और एनएसए जैसी धारा लगा करके उनको बाहर नहीं आने देना चाहते। क्या लग नसीब भाई बताएंगे, डॉक्टर कफील को लेकर एक मुहिम आपने भी चलाई है, क्या लगता है पूरे देश में डॉक्टर कफील का मुद्दा गर्माता जा रहा है और उनकी रिहाई को लेकर लगातार मुहिम चलाई जा रही है, क्या आपकी तरफ से जो चलाई गई मुहिम है वो क्या है और इसका हिस्सा कितने लोग होंगे, और आने वाले टाइम में क्या लगता है कि सरकार पर इतना दबाव बन पाएगा डॉक्टर कफील की रिहाई हो सके? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, डॉक्टर कफील को लेकर के पूरे देश के अंदर एक माहौल बना हुआ है कि योगी और मोदी की सरकार तानाशाही को अपनाते हुए ऐसे लोगों को जेल में डाल रही है जो लोगों के लिए सड़क पर उतर करके काम करते हैं। आपने देखा होगा कि पहले 9 महीने डॉक्टर कफील को जेल में रखा, उत्तर प्रदेश की जांच एजेंसियों ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया था कि जो ऑक्सीजन कांड हुआ था जिसमें बच्चे शहीद किए गए थे, उसमें डॉक्टर कफील का कोई दोष नहीं है। उसके बाद 9 महीने जेल में रहे, और फिर उसके बाद जब वहाँ से आ गए तो उसके बाद उनको जो है 3 महीने जेल के लिए फिर भेज दिया, जब 3 महीने में जमानत हुई तो फिर उन पे जो है एनएसए लगा दिया। ये दर्शाता है कि मोदी और योगी ऐसे लोगों को जेल में रखने का काम कर रहे हैं जो लोगों के काम आते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर कफील को जेल और आतंकवादी देवेंद्र को बेल, यही है देश के अंदर मोदी और योगी का नंगा खेल। जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, क्योंकि इस देश के अंदर जब देश का रक्षा मंत्री और देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो है प्रधान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जब तड़ी पार रहा हो, उसको तड़ी पार किया गया हो, वो आदमी जब गृह मंत्रालय को संभाल रहा हो, तो निष्पक्ष रूप से है कि पूरे देश का गुंडा बदमाश, पूरे देश का माफिया सरकारी संरक्षण में काम कर रहा है। और आज यही वजह है कि सरकार और माफियाओं और अपराधियों का एक गठजोड़, एक नेक्सस बना हुआ है, जिसके खिलाफ आदरणीय प्रियंका गांधी भी आवाज उठा रही है, अजय कुमार लल्लू भी आवाज उठा रहे हैं, और पूरे देश के अंदर सोशल एक्टिविस्ट और जितने भी पोर्टल चैनल चल रहे हैं, जितने भी सरकारी मीडिया जो गोदी मीडिया है उसके अलावा जो पत्रकार हैं वो भी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। अभी जैसे आपने देखा होगा कि कानपुर के अंदर क्या हुआ, कानपुर के अंदर 10 सिपाही हमारे शहीद कर दिए गए, और 10 सिपाही शहीद करने के बाद जो हत्यारा था जिसने 10 सिपाहियों को शहीद किया, वो आदमी कानपुर से निकल करके वो दिल्ली आता है, दिल्ली से फिर वो क्या नाम है उत्तराखंड जाता है, उत्तराखंड से फिर जो है दिल्ली आने के बाद फिर वो जो है राजस्थान पहुंच जाता है, मध्य प्रदेश उज्जैन पहुंच जाता है। जब पूरे देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी के बाद सीमाएं सील हैं प्रदेशों की, लॉकडाउन लगा हुआ है, रात का कर्फ्यू चल रहा है, उसके बाद अपराधी कई कई राज्य की सीमाएं पार करके सरकारी संरक्षण, हम ये कहेंगे, हम कांग्रेस को लोग स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अपराधी वो विकास दुबे सरकारी संरक्षण के अंदर उज्जैन पहुंचा, और उज्जैन पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से साठ गांठ करके। नसीम भाई, ये ऐसा कौन सा डर है जो योगी सरकार को सता रहा है कि डॉक्टर कफील के अगर बाहर आने से उनको खतरा नजर आ रहा है, इसीलिए शायद डॉक्टर कफील को लगातार जेल के अंदर
रखा जा रहा है। देखिए मैं इसमें तेजेंद्र भाई आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि डॉक्टर कफील जो है, क्या नाम है, जो गोरखपुर में जो इनका गृह जनपद है, जो इनका गृह जनपद के अंदर वहाँ के जो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो बच्चे शहीद हुए थे, जो बच्चे मरे थे, उसमें स्पष्ट रूप से ये जाँच हुई थी। और जाँच होने के बाद डॉक्टर कफील को जिस योगी सरकार ने उसमें दोषी मानते हुए जेल में रखा था, उस डॉक्टर कफील को जो क्लीन चिट मिली थी, अब जब उनको क्लीन चिट मिली है जिसको सरकार ने दोषी माना था, तो इसका मतलब दोष कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं कोई और लोग दोषी थे। और वो दोषी कौन लोग थे इससे ये कफील के बाहर रहने से पता चल सकता था, क्योंकि कफील जांच एजेंसियों में मदद कर रहे थे और कफील ये बता सकते थे कि वो ऑक्सीजन की कमी किन लोगों की वजह से हुई थी, कौन लोग सरकारी अस्पताल के अंदर उस ऑक्सीजन को लेकर के घोटाला कर रहे थे, उसका पैसा मारने का काम कर रहे थे, और ये सब योगी सरकार के संरक्षण के अंदर हो रहा था। और वो योगी का गृह जनपद है, आपको समझना चाहिए, योगी के गृह जनपद में, योगी के क्षेत्र में, योगी के सरकारी अस्पताल के अंदर बच्चे मर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी से, और वो जो जिस डॉक्टर के ऊपर दोष लगा वो डॉक्टर निर्दोष साबित होता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये फंदा योगी के गले में पड़ने वाला था, और यही वजह है कि योगी अपने गले में फंदा ना पड़ते हुए देख करके अपनी तरफ जो तीर की कमान, जो तीर का जो नोक उनकी तरफ जा रही है, उसको मोड़ने के लिए बार बार कफील को जेल में डालने का काम कर रहे और एनएसएस जैसी धारा लगा करके उनको बाहर नहीं आने देना चाहते। क्या लगता है आपको कि जो अभी मथुरा जेल में जहां पर डॉक्टर कफील को रखा गया है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर कफील की जान को वहां पर खतरा है, ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल, डॉक्टर कफील की जान को खतरा है, डॉक्टर कफील ने भी कहा है कि मेरी जान को खतरा है, और कोई नई बात नहीं। क्या आपको नहीं पता बागपत के अंदर अभी एक जो है, क्या नाम है, क्रिमिनल की जो हत्या की गई, ऐसे ही ये जो सरकारी गठजोड़ है बागपत जेल के अंदर एक पिस्टल गई अंदर, पिस्टल जाने के बाद बैरेक के अंदर एक अटैक होकर के बदमाश को मारा गया, तो क्या डॉक्टर कफील को नहीं मारा जा सकता? ये स्पष्ट रूप से है कि डॉक्टर कफील की जान को खतरा। विकास दुबे को क्यों मार दिया गया? क्या विकास दुबे का एनकाउंटर था? विकास दुबे दुर्दांत अपराधी था, उसको कोर्ट के माध्यम से फांसी मिलनी चाहिए थी, जैसे कसाब का ट्रायल हुआ, जैसे इंदिरा गांधी जी के हत्यारों का ट्रायल हुआ, जैसे बेन सिंह के हत्यारों का ट्रायल हुआ, जैसे राजीव गांधी के हत्यारों का ट्रायल हुआ। क्या ये सब ट्रायल होकर के अपने आखिरी अंजाम तक नहीं पहुंचे? विकास दुबे भी आखिरी अंजाम तक पहुंच सकता था। बड़ी हंसी की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है कि आप उज्जैन से लेकर के एक अपराधी को चलते हो और उसकी हथकड़ी भी नहीं लगाते, और वो अपराधी जिसका पैर टूटा हुआ था वो आपकी पिस्टल लेके भाग जाता है और पिस्टल लेके फिर आपके हमला करता है, 10-15 गाड़ियों का काफला है। तो जब विकास दुबे को इस तरीके से मारा जा सकता है, तो हम ये मानते हैं कि डॉक्टर कफील की भी जान को खतरा है, योगी जी अपने गले का फंदा बचाने के लिए और उनके गृह जनपद में जो बच्चों की हत्याओं में दोषी है ये बात पता चलने के लिए डॉक्टर कफील की भी हत्या करवा सकते हैं। डॉक्टर कफील जब जेल से रिहा हो गए गैस कांड के बाद, तो ऑक्सीजन कांड के बाद, तो क्या उन्होंने लगातार इस बात की आवाज उठाई और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए उन्होंने तमाम सामाजिक जो मंच थे वो शेयर किए और वहाँ पर जो सरकार की कमियाँ थी उनको उजागर किया और बताया कि पूरा प्रकरण किस तरह से था? क्या यही जो चीज़ थी ये सरकार को खल रही थी कि जो लगातार सरकार को कटघरे में तमाम उन सामाजिक मंचों से खड़ा कर रहे थे डॉक्टर कफील और सामाजिक मूवमेंट पर हिस्सा ले रहे थे? देखिए मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहूं, जो आपने बात कही है वो उसमें दो राय कोई झूठ नहीं है, ये सच्चाई है कि जेल से छूटने के बाद डॉक्टर कफील लगातार सामाजिक संगठनों के मंचों को शेयर कर रहे थे, और वो इस बात को, और वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि उन्हें कोई नेता बनना है, उसके साथ साथ वो बिहार के अंदर बाढ़ आई कौन दिखाई दिया, फ्री में दवाई बांटते हुए कैंप लगाते हुए, चमकी बुखार हुआ कौन दिखाई दिया, पूरे देश के अंदर जहां जहां आपदा आई कौन दिखाई दिया, डॉक्टर कफील अपनी पूरी टीम के साथ लोगों के लिए खड़े रहे, वो एक तरफ जहां सामाजिक काम कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ अपनी बेगुनाही दर्शाने के लिए अपने आप को, जो उनको जबरदस्ती फंसाया था योगी सरकार ने एक व्यक्ति को फंसाने का जो काम किया, 9 महीने जेल में रखा, वो बार बार मंचों पे आके ये बात कह रहे थे कि मैं दोषी नहीं हूं, मेरे पे कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, मैं क्रिमिनल नहीं हूं और मुझे सरकार ने जबरदस्ती फंसाया है। यही चीज योगी सरकार पसंद नहीं कर रही थी, और योगी सरकार ने आखिर में आकर क्या जरूरत थी, क्या बात थी कि आपने महाराष्ट्र से पकड़वाया करके यहां तक, क्या वजह थी? आप जो है, क्या नाम है, फिर से डॉक्टर कफील को जेल में डाल दिया। डॉक्टर कफील को जेल में डालने का एक यही मकसद है कि वो जो बार बार सामाजिक संगठनों के, सामाजिक जो संस्थाओं के जो मंचों पे जाकर के अपनी बेगुनाही साबित कर रहे थे और लोगों के साथ खड़े थे, तो पूरी योगी सरकार, खासकर योगी और अमित शाह, ये घबराए हुए थे कि देश के अंदर ये वातावरण बन रहा है कि देश सेवा में लगे हुए लोग, राष्ट्रभक्त लोग, ये जो तथाकथित राष्ट्रभक्त हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन पर भारी पड़ते जा रहे हैं। लोगों को पता चल रहा था कि
राष्ट्रभक्त डॉक्टर कफील है, राष्ट्रभक्त ये जो है अंग्रेजों के मुखबिरों की औलाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जो योगी जैसे लोग राष्ट्रभक्त नहीं है, ये लाइन खींचती जा रही थी। इसी चीज से घबरा करके, इसी चीज से डर करके योगी ने फिर से जो है डॉक्टर कफील को जेल में डालने का काम किया। आपके द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है कफील की रिहाई को लेकर, क्या लगता है कि वो मुहिम जो है रंग लाएगी? बिल्कुल, देखिए हम ये मानते हैं कि पूरे प्रदेश में हमारी आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी और हमारा आदरणीय नेता अजय कुमार लल्लू जी और अल्पसंख्यक कांग्रेस के चेयरमैन शाहनवाज जी ने पूरे प्रदेश में एक व्यापक ये मुहिम चलाई है हस्ताक्षर अभियान की। देखिए पूरे आदरणीय प्रियंका गांधी जी जहां जहां कोई भी घटना होती है, चाहे सोनबंद के अंदर उम्बा गांव हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे वाराणसी हो, आज चाहे गाजियाबाद हो, जो गाजियाबाद में एक पत्रकार की हत्या हुई है, बड़ा दुखद घटना है, चाहे ये हो, आदरणीय प्रियंका गांधी जी पूरी ताकत के साथ सक्रिय रही है और एक एक कांग्रेस का सिपाही पूरी ताकत के साथ प्रियंका जी के नेतृत्व में लोगों के साथ खड़ा है। अब डॉक्टर कफील की बात है, डॉक्टर कफील के लिए भी जो हस्ताक्षर अभियान चला है ये बहुत व्यापक चल रहा है। आज भी हम 2000 हस्ताक्षर करा के आए हैं और 7 दिन लगातार ये हस्ताक्षर चलेगा और हम पूरे प्रदेश के अंदर एक एक जिला अल्पसंख्यक कांग्रेस का अध्यक्ष पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं जिस तरीके से यह अभियान अपने आगे गति पकड़ता रहेगा, योगी सरकार की चूल्हे हिला देगा, योगी सरकार को घुटने के बल बैठने में मजबूर कर देगा, योगी सरकार को कहीं ना कहीं इस डॉक्टर कफील की जमानत करवाने में मजबूर कर देगा, योगी सरकार को 2022 में इस सरकार से उखाड़ फेंकने के लिए यह हस्ताक्षर अभियान बहुत कारगर साबित होगा, यह हम इस बात को मानते हैं। कितने हस्ताक्षर हो चुके हैं और कितने लोगों का इसमें जो है सहयोग मिल चुका है? देखिए आज हमारा पहला दिन था और पहले दिन में हमने लगातार 5 घंटे केला भट्टा के अंदर 3 जगह हस्ताक्षर अभियान चलाए और 1000 से ऊपर हमारे हस्ताक्षर आज हुए हैं और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, सब जो वहां से निकल रहा था, लोगों ने खुद में पहली बार आज 11 साल के राजनीतिक इतिहास के अंदर मैं सदस्यता अभियान में भी चौराहे पे बैठा हूं और हस्ताक्षर अभियान में भी चौराहे पे बैठा हूं, पेट्रोल डीजल की कीमतों को समर्थन लेने के लिए भी चौराहे पे बैठा हूं, लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूं, पहली बार मैंने ये देखा है कि लोगों ने अपनी स्कूटर मोटरसाइकिल, अपने कार, अपनी जो वाहनों को रोक रोक करके आ करके खुद, आप विजुअल देखेंगे, मैं विजुअल वायरल करूंगा, लोगों ने खुद आ कर करके और 1005 घंटे के अंदर हस्ताक्षर होना यह दर्शाता है कि 2022 में योगी सरकार की चूल उखड़ने जा रही है, योगी सरकार उत्तर प्रदेश से उखड़ करके हमेशा के लिए भाजपा यहां से नहीं आएगी और कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। ठीक, बहुत बहुत